हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू वहीकल्स द फॉलोइंग पिक्चर शो सम वहीकल्स राइट द नेम्स ऑफ ईच वहीकल इन द गिवन ब्लैंक चूज द नेम ऑफ द व्हीकल्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो तो यहाँ पर नीचे व्हीकल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं तो हमें पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट वहीकल का नेम लिखना है और बॉक्स में से हमें ऑप्शन चूज करना है और फिर लिखना है ओके लुक एट इंटू नंबर वन एंड आइडेंटिफाई दिस पिक्चर लुक एट दिस पिक्चर एंड आइडेंटिफाई विच व्हीकल इज गिवन हियर, सो फर्स्ट व्हीकल इज़ हॉर्स कैरिएज फर्स्ट इज हॉर्स कैरिएज एच ओ आर एस सी हॉर्स सी ए डबल आर आई ए जी ई कैरिएज हॉर्स कैरिएज सो फर्स्ट वहीकल इज हॉर्स कैरिएज इसे क्या कहते हैं हॉर्स कैरिएज कहते है नंबर टू लुक एट दिस पिक्चर एंड आइडेंटिफाई सो सेकेंड पिक्चर इज ऑफ बुल्ड बी यू डबल एल सी ओ के सॉरी बी यू डबल एल ओ सी के सी ए आर टी बुलक कार्ट तो देखो हॉर्स कैरिएज में आगे कौन सा एनिमल है हॉर्स है और बुलक कार्ट में कौन सा एनिमल है बुलक है तो जो हॉर्स वाला व्हीकल है उसे कहते हैं हॉर्स कैरिएज एंड जो बुलक वाला व्हीकल है उसे कहते हैं बुलक कार्ट ओके स्टूडेंट्स चलो अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे नंबर थ्री लुक एट दिस पिक्चर एंड आइडेंटिफाई सो थर्ड पिक्चर इज ऑफ हेलीकॉप्टर एच ई एल आई सी ओ पी टी ई आर हेलीकॉप्टर थर्ड पिक्चर इज ऑफ हेलीकॉप्टर किसका पिक्चर है हेलीकॉप्टर का चलो अभी हम नेक्स्ट पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे लुक एट दिस पिक्चर एंड आइडेंटिफाई विच पिक्चर इज गिवन हियर सो द फोर्थ पिक्चर इज ऑफ एरोप्लेन ए आर ओ पी एल ए एन हेल एरोप्लेन कौन सा पिक्चर है नंबर फोर में एरोप्लेन अच्छे से देखो नंबर थ्री हेलीकॉप्टर है एंड नंबर फोर क्या है एरोप्लेन है तो आप लोगों को अच्छे से पिक्चर्स को वॉच करना है उसे देखना है एंड देन उसे आइडेंटिफाई करके फिर उसका करेक्ट स्पेलिंग हमें ब्लैंक में लिखना सो थर्ड पिक्चर इज ऑफ हेलीकॉप्टर एंड फोर्थ पिक्चर इज ऑफ एरोप्लेन नेक्स्ट लुकेट इंटू नंबर फाइव सो विच पिक्चर इज गिवन इन नंबर फाइव सो नंबर फाइव इज बस कौन सा वहीकल है बस है बस का स्पेलिंग क्या है बी यू एस बस फिफ्थ पिक्चर इज ऑफ बस लुकेट इंटू नंबर Six. चलो अभी हमें क्या देखना है नंबर सिक्स देखना है तो चलो बताओ नंबर सिक्स कौन सा पिक्चर है कार सी ए आर कार फिफ्थ इज बस एंड सिक्स इज कार ओके लुक एट प्रॉपरली सो फो फिफ्थ पिक्चर इज ऑफ बस एंड सिक्स पिक्चर इज ऑफ कार चलो नेक्स्ट नंबर सेवन लुकेट इन टू नंबर सेवेंथ सो सेवेंथ पिक्चर इज ऑफ विच व्हीकल इज गिवन हियर सो सेवेंथ पिक्चर इज ऑफ मोटरसाइकल क्या कहते हैं इसे मोटरसाइकल कहते हैं एम ओ टी ओ आर सी वाई सी एल ई मोटरसाइकल चलो अभी हमें देखना है नेक्स्ट नंबर एट सो विच पिक्चर इज गिवन इन नंबर एट येस नंबर एट इज बाइसिकल बी आई सी वाई सी एल ई बाइसिकल स्टूडेंट्स आप लोग बाइसिकल चलाते हो बाइसिकल राइड करते हो यस बी आई सी वाई सी एल ई बाइसिकल सेवेंथ पिक्चर कौन सा है मोटरसाइकिल का है एंड एट पिक्चर इज ऑफ बाइसिकल बी आई सी वाई सी एल ई बाइसिकल चलो नंबर सेवन क्या है मोटरसाइकल एम ओ टी ओ आर सी वाई सी एल ई मोटरसाइकल और नंबर एट क्या है बाइसिकल बी आई सी वाई सी एल ई बाइसिकल अच्छे से देखना है दोनों में डिफरेंस क्या है मोटरसाइकिल एंड बाइसिकल में चलो अभी हमें नेक्स्ट पेज में देखना है लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज पेज नंबर थर्टी एट नंबर नाइन सो विच पिक्चर इज गिवन इन नंबर नाइन विच व्हीकल इज गिवन इन नंबर नाइन सो नंबर नाइन ईज ऑफ क्रूज लाइनर सो नंबर नाइन क्या है क्रूज लाइनर सी आर यू आई एस सी एल आई एन ई आर क्रूज लाइनर क्रूज लाइनर हमें कहाँ देखने मिलता है इन द सी है ना? कहाँ पर चलता है क्रूज लाइनर हाँ वाटर में कहाँ पर वाटर में क्रूज लाइनर रन ऑन वाटर सी आर यू आई एस ई क्रूज एल आई एन ई आई क्रूज लाइनर चलो अभी हमें नेक्स्ट पिक्चर देखना है लुकेट इन टू नेक्स्ट पिक्चर सो नंबर टेन आपको आइडेंटिफाई करना है विच व्हीकल इज गिवन इन नंबर टेन सो दिस इज ऑटो रिक्शा ए यू टी ओ आर आई सी के एस एच ए डब्ल्यू ऑटो रिक्शा तो हाउ मैनी वे व्हील्स आर ऑन ऑटो रिक्शा थ्री व्हील्स कितने पहिए होते हैं ऑटो रिक्शा के थ्री हाउ मैनी व्हील्स थ्री व्हील्स ए यू टी ओ आर आई सी के एस एच ए डब्ल्यू ऑटो रिक्शा चलो अभी हम नेक्स्ट पिक्चर आइडेंटिफाई करेंगे सो लुकेट इन टू नंबर इलेवन विच व्हीकल इज़ गिवन इन नंबर इलेवन

क्या रहते हैं अल बहुत सारे डिब्बे रहते हैं ट्रेन के और मैनी व्हील्स होते हैं ट्रेन के टी आर ए आई एन ट्रेन ओके चलो अभी हम क्या करेंगे एक बार सारे वहीकल्स हम रिपीट करने वाले हैं सो so, आप लोगों को अच्छे से प्रॉपरली ध्यान देना है लुक एट इन नंबर वन फर्स्ट इज हॉर्स कैरिएज नंबर टू इज बुलट कार्ट नंबर थ्री इज हेलीकॉप्टर नंबर फोर इज एरोप्लेन नंबर फाइव इज बस नंबर सिक्स इज कार नंबर सेवन इज मोटरसाइकल नंबर एट इज बाइसिकल नंबर नाइन इज क्रूज लाइनर नंबर टेन इज ऑटो रिक्शा नंबर इलेवन इज ट्रेन चलो अभी हमें क्या सॉल्व करनी है एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो अभी हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज तो स्टूडेंट्स आप लोगों को भी आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे से फिलअप करना है स्टिक आउट द रोंग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस तो हमें क्या करना है स्ट्राइक आउट मतलब उसे कट करना है जो रॉन्ग वर्ड है उसे हमें क्या करना है कट करना है ओके ए कार और मोटरसाइकिल हैज फोर व्हील्स तो स्टूडेंट्स अभी हमने सारे व्हीकल्स के पिक्चर देखे तो आप लोगों को बताना है कि फोर व्हील्स कौन से व्हीकल के होते हैं कार के होते हैं या मोटरसाइकिल के होते हैं सो फोर व्हील्स किसके होते हैं कार के वेरी गुड तो मोटरसाइकिल को हमें क्या करना है स्ट्राइक आउट उसे कट करना है ओके okay? चलो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नंबर नंबर द हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट वेहीकल तो हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन ये दोनों में से फास्टेस्ट वेहीकल कौन सा है सो एरोप्लेन इज फास्टेस्ट व्हीकल तो हेलीकॉप्टर इज रॉन्ग आंसर सो वी हैव टू कट दिस स्पेलिंग ऑफ हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर का स्पेलिंग हमें क्या करना है स्ट्राइक आउट कर देना है चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर थ्री ए ट्रेन और बस हैज मैनी व्हील्स तो चलो बताओ ट्रेन को ज्यादा व्हील्स होते हैं मैनी व्हील्स होते हैं या बस को हमने पिक्चर्स में देखा विच व्हीकल हैज मैनी व्हील्स सो ट्रेन हैज़ मैनी व्हील्स बस इज ए रॉन्ग आंसर सो वी हैव टू स्ट्राइक आउट बस तो हमें बस को क्या कर देना है स्ट्राइक आउट कर देना है उसे हमें निकाल देना है चलो नंबर फोर देखेंगे हम द स्कूटर और मोटरसाइकल इज द फास्टेस्ट टू व्हीलर सो विच व्हीकल इज फास्टेस्ट टू व्हीलर स्कूटर और मोटरसाइकल सो मोटरसाइकिल इज द फास्टेस्ट टू व्हीलर सो वी है तो हमें स्कूटर को क्या करना है निकाल देना है क्योंकि मोटरसाइकिल क्या है फास्टेस्ट टू व्हीलर है स्कूटर से ज्यादा फास्टेस्ट क्या है मोटरसाइकिल है चलो अभी हम देखेंगे नंबर फाइव ए मोटरकार इज बिगर और स्मॉलर देन एन ऑटो रिक्शा तो मोटर कार क्या है ऑटो रिक्शा से बड़ी है या छोटी है यस इट इज बिगर देन एन रिक्शा सो वी है तो स्मॉलर को हमें क्या कर देना है स्ट्राइक आउट मीन्स निकाल देना है उसे कट कर देना है ओके okay? चलो तो ये वाला पार्ट आप लोगों को अच्छे से फिलअप करना है वर्क बुक में अभी नेक्स्ट पार्ट है वो हमें नोटबुक में फिल करना है तो स्टूडेंट लुकेट केयरफुली एंड लिसन केयरफुली ओके राइट डाउन चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू हेडिंग देना है व्हीकल्स चैप्टर का नेम लिखना है और फिर नीचे से स्टार्ट करना है हार्डवर्ड्स तो हार्डवर्ड्स में हमें क्या देखना है व्हीकल्स के नेम सीखने हैं सारे स्पेलिंग स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से लर्न करने हैं और प्रॉपरली अच्छी राइटिंग से गुड हैंड राइटिंग से नोटबुक में लिखना है सो फर्स्ट इज एरोप्लेन ए ई आर ओ पी एल ए एन ई एरोप्लेन नंबर टू ऑटो रिक्शा ए यू टी ओ आर आई सी के एस एच ए डब्ल्यू ऑटो रिक्शा नंबर थ्री कार सी ए आर कार नंबर फोर ट्रेन टी आर ए आई एन ट्रेन नंबर फाइव बुलाकाट बी यू डबल एल ओ सी के ए आर टी सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है ए आर टी नहीं सी ए आर टी आने वाला है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से लिखना है देखो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है बुल्ला काट में सी लिखना है बाइसिकल बी आई सी वाई सी एल ई बाइसिकल हॉर्स कैरिएज एच ओ आर एस ई सी ए डबल आर आई ए जी ई हॉर्स कैरिएज नंबर एट क्रूज लाइनर सी आर यू आई एस ई एल आई एन ई आर क्रूज़ लाइनर नंबर नाइन हेलीकॉप्टर एच ई एल आई सी ओ पी टी ई आर हेलीकॉप्टर नंबर टेन मोटरसाइकल एम ओ टी ओ आर सी वाई सी एल ई मोटरसाइकल बस बी यू एस बस चलो सारे हार्ड वर्ड्स देखने के बाद हमें नीचे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी लिखने हैं और उसे लर्न करने हैं। सो फर्स्ट विच वहीकल्स आर रन ऑन रोड तो हमें यहाँ पर ऐसे व्हीकल्स लिखने हैं जो रोड के ऊपर चलते हैं सो फर्स्ट इज बस सेकेंड इज कार मोटरसाइकल बाइसिकल ऑटो रिक्शा एक्सेट्रा चलो वापस हम एक बार देखेंगे बस कार मोटरसाइकल बाइसिकल ऑटो रिक्शा एक्सेट्रा सो दिस व्हीकल्स आर रन ऑन रोड तो ये सारे जो इतने भी व्हीकल्स हमने यहाँ पर देखे वो क्या करते हैं दे रन ऑन रोड रोड पर चलते हैं चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर टू विच वेहीकल्स आर रन ऑन वॉटर मतलब की वॉटर के ऊपर चलने वाले वहीकल्स लिखने हैं फर्स्ट इज बोट शीप क्रूज लाइनर एक्सेट्रा तो ये सारे वेहीकल्स है वो क्या करते हैं दे रन ऑन वॉटर नंबर थ्री विच व्हीकल्स आर फ्लाई हाई इन स्काई जो हवा में उड़ते हैं वो वहीकल हमें यहाँ पर लिखने हैं एरोप्लेन हेलीकॉप्टर तो एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर फ्लाई हाई इन स्काई तो स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड हार्ड वर्ड्स आल्सो दोनों आप लोगों को जीके के नोटबुक में फाइव टाइम्स लिखने हैं हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू राइट फाइव टाइम्स यू हैव टू राइट इन योर जीके नोटबुक ओके स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड हार्ड वर्ड्स बोथ ओके थैंक यू स्टूडेंट्स बाय बाय